आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th 2024 का रिजल्ट कैसे चेक कर पाएंगे, और इसके साथ ही हम आपको रिजल्ट चेक करने के लिए एक ऐसी वेबसाइट का भी नाम बताएंगे जहां से कि आप लोग अपना रिजल्ट बिना किसी सर्वर प्रॉब्लम के सबसे पहले चेक कर सकते हो। तो रिजल्ट को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल खोलना है, सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप कर देना है सरकारी संगम। ठीक, इस तरह से आप लिखेंगे सरकारी स्पेस दे के लिख देंगे संगम, उसके बाद में आपको सर्च करा देना है। सर्च कराएंगे आपके सामने कुछ इस तरह से पेज खुल के आएगा, ऊपर ही जहां पे देख सकते हैं लिखा है सरकारीसंगम.com, आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसके बाद में www.sarkarisangam.com की जो वेबसाइट है कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहीं से आप लोग अपना बोर्ड का जो रिजल्ट है सबसे पहले चेक कर सकते हो। तो रिजल्ट को चेक करने के लिए यहां पे देख सकते हैं सबसे ऊपर ही दिया है यूपी बोर्ड 10th 12th रिजल्ट, यहां देखे तो आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपके सामने खुल के आएगा। अब इस पेज में जैसे आप स्क्रॉल करोगे नीचे जाओगे तो आपको रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। तो यहां पे अगर आपको 10th का यानी कि हाई स्कूल का चेक करना है तो चेक क्लास 10th रिजल्ट के सामने इस वाले क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपको इंटर का चेक करना है यानी कि 12वीं का, तो आपको जो है इसके सामने क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक, तो मान लीजिए आपको 10th का ही चेक करना है तो हम इसके सामने जो क्लिक हेयर दिया है इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज खुल के आ जाएगा, यहां पे देख सकते हैं दिया है हाई स्कूल 10th एग्जामिनेशन रिजल्ट। इसके साथ ही सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा कि यहां पे दिया है जनपद सेलेक्ट करने के लिए यानी कि आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपका जो भी जनपद है यहां पे देख सकते हैं जैसे अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, जितने भी यूपी के जितने भी जिले हैं सभी जिले के नाम यहां पे मिल जाएंगे। तो आपको अपना जिला जो भी है आपका जिला यहां से ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, उसके बाद में यहां पे भी देख सकते हैं जैसे 2023 है, लेकिन जैसे ही 2024 वाला लिंक एक्टिव होगा तो यहां पे ऑलरेडी 2024 लिखा रहेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। उसके बाद नीचे क्या करना है, यहां पे आपको अपना रोल नंबर प्रवेश पत्र से देख के डाल देना है, व्यू रिजल्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप रोल नंबर डाल के नीचे व्यू रिजल्ट के ऊपर क्लिक करोगे आपका जो रिजल्ट है कुछ इस तरह से आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहां पे सबसे पहले आपकी जो डिटेल है यानी कि आपका रोल नंबर, नाम, माता का नाम, पिता का नाम देखने के लिए मिल जाएगा। और नीचे जाएंगे तो यहां पे जो मार्क की डिटेल होती है यानी कि आपको किस सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर मिले हैं सारा कुछ आप यहां से चेक कर सकते हो। और साथ ही यहां पे रिजल्ट आपका पास हुआ है या फिर फेल हुआ है यहीं से आप देख सकते हो।